दृष्टि हो, नई सृष्टि हो अणुव्रतों के द्वारा। अणुव्रत का आशय है, अणुव्रत का आशय है। तो ये भीतरी प्रतिभा या समझ या प्रज्ञा होती है, तो सामने वाले की नीति क्या है, रुझान क्या, भाव क्या, वो पकड़ में आ सकता है। हालांकि इसको तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं मानता कि किस आशय से पूछ रहा है, यह तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे भी बड़ी बात का ज्ञान भी अतींद्रिय ज्ञान जागने से आदमी को प्राप्त हो सकता है।